हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए जंपसूट बनाएंगे। जंपसूट बनाने के लिए हमने फैब्रिक की कटिंग करके ले ली है। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 4.5 इंच है। इसकी लंबाई हमने रखी है 8 इंच के करीब, हमने इसकी लंबाई रखी है। देखिए, अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल ऐसे, और एक एक सिलाई हमें यहाँ पे ऐसे दे देनी है। हमने इसमें यहाँ पे सिलाई लगा के ले ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। हमने यहाँ पे फैब्रिक को सीधा करके ले लिया है। अब देखिए, हमें इसे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कर लेना है। अब हम इलास्टिक लेंगे। देखिए, ये हमने इलास्टिक ली है। इलास्टिक की जो लंबाई है वो हमें 3.5 इंच रखनी है। 3.5 इंच पे हमने इस इलास्टिक की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, ऐसे करते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने 3.5 इंच इलास्टिक काट ली है। अब हमें देखिए इलास्टिक को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे सुई लेनी है, और सुई में देखिए हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए बिल्कुल ऐसे डाल लेना है। ये हमने इसे सुई के अंदर डाल लिया है। अब देखिए, जो ये वाला हिस्सा है हमें पकड़ लेना है, और जो ये सुई वाला हिस्सा है इसे नीचे की साइड रखेंगे, और देखिए इसमें हमें ऐसे करते हुए बिल्कुल ऐसे डाल देना है। जो ये हिस्सा है हमें इसे यहाँ पे ऐसे बिल्कुल कोने पे लाते हुए यहाँ पे 2 से 3 सिलाई दे देंगे। हमने फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिलाई दे दी है इलास्टिक को अंदर करते हुए। अब जो ये देखिए, ये हमारी सुई है। यहाँ पे सुई को हमें ऐसे करते हुए यहाँ पे ऊपर की साइड ले आना है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सुई को ले आए हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। हमने सुई को निकाल दिया है, और इसे भी यहाँ पे ऐसे नीचे की साइड पे करते हुए यहाँ पे भी हमें देखिए 2 से 3 सिलाई दे देनी है। हमने यहाँ पे दोनों साइड पे इलास्टिक के देखिए ऐसे सिलाई लगा ली है। अब दोनों साइड को ऐसे पकड़ेंगे, जहाँ पे इलास्टिक देखिए हमने अंदर की साइड पे यहाँ पे ऐसे लगाई थी, दोनों कॉर्नर को पकड़ के ऐसे खींचेंगे देखिए। और अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे करना है, देखिए बिल्कुल ऐसे सिलाई देंगे। थोड़ी सी सिलाई देने के बाद जो ये वाला हिस्सा है देखिए, इसे हमें ऐसे करते हुए खींच लेना है। जो हमारी इलास्टिक होगी वो बिल्कुल साइड में आ जाएंगी, और जो इलास्टिक है उसके यहाँ पे बिल्कुल पास पास में सिलाई दे देंगे। इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं देनी है। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इलास्टिक के साइड में सिलाई लगा के ले ली है। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे करना है, और जो ये वाली साइड है ओपन साइड देखिए, इसमें हमें यहाँ पे 1 से 2 सिलाई दे देनी है। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो ये हमने सिलाई दी है यहाँ पे हमें बिल्कुल हल्के से ऐसे कटिंग कर लेनी है, और जो इसके बिल्कुल सामने ये अपोजिट साइड है यहाँ से हमें बिल्कुल हल्की सी ही ऐसे कटिंग कर देनी है। जो ये हमने दोनों कटिंग की है इसको हमें आपस में ऐसे देखिए ऐसे मिला लेना है। ये हमने मिला लिया है, और यहाँ पे हमें ऐसे करते हुए 3 से 4 सिलाई दे देनी है। तो चलिए सिलाई दे दे। हमने फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए, हमारी नेप्पी बिल्कुल सुंदर सी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल प्यारी सी क्यूट सी नेप्पी बनी है हमारे लड्डू गोपाल जी की। देखिए, निक्कर बन गई है। अब इसके लिए ऊपर के लिए हम टॉप बनाएंगे, जो जंप सूट में अटैच हो जाएगा इसके साथ ही। तो चलिए टॉप बनाना और देख लेते हैं, इसे करते हैं साइड में। टॉप बनाने के लिए देखिए हमने सेम फैब्रिक ही लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 4.25 इंच रखी है। अब देखिए, हमें फैब्रिक को यहाँ पे ऐसे उल्टा करते हुए लेना है,
और फिर से हमें एक और फोल्ड ऐसे देना है। फोल्ड करने के बाद देखिए जो ये हमारी देखिए ऐसे ओपन साइड है इसे नीचे की साइड रखेंगे और जो ये बंद साइड है इसे ऊपर की साइड रखेंगे। नीचे से हमें थोड़ी कम कटिंग करनी है और ऊपर से हमें थोड़ी ज़्यादा कटिंग करनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे हमने इसकी तिरछी से कटिंग करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे इसके साइड में रिबन लगाऊंगी, इससे काफ़ी सुंदर सी फिनिशिंग भी आएगी और एक अच्छा सा लुक भी आ जाएगा। देखिए हमने रिबन लिया है, रिबन को हमने यहाँ पे ऐसे फोल्ड देना है। ये हमने 6-6 इंच लंबाई का रिबन लेना है, दोनों साइड 6-6 इंच का। अब हम इसके बीच में से कटिंग कर देंगे। हमने दो रिबन कटिंग करके ले लिए हैं। अब देखिए हम रिबन का क्या करेंगे, जो ये हमारा फैब्रिक है टॉप का उसे हमें ये लेना है और देखिए यहाँ पे ऐसे करते हुए हमें इसे बिल्कुल सिलाई की हेल्प से ऐसे लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसके दोनों साइड पे रिबन को लगा के ले लिया है। अब हमारा टॉप बन गया है, जो हमारी हमने कान्हा जी के लिए ये निक्कर रेडी करी थी। देखिए इसके साथ में हमने यहाँ पे इसे ऐसे करते हुए अटैच कर लेना है, तो चलिए अटैच कर लेते हैं। हमने देखिए टॉप को निक्कर के साथ में अटैच करके ले लिया है। अब हम कैप बनाएंगे और लास्ट में हम आपको लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना के भी दिखाएंगे, तो चलिए कैप का भी मेजरमेंट देख लेते हैं। देखिए ये हमने दो पीस लिए हैं, इसकी हमने गोल राउंड में कटिंग करके ले ली है। इसका जो हमने डायामीटर लिया है वो 3.5 इंच है। सेम साइज़ के हमने दो पीस लिए हैं। इसे देखिए हमें यहाँ पे एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ तक सिलाई दे देनी है। जो ये इतना हिस्सा है इसमें हमें सिलाई नहीं देनी है। हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई लगा के ले ली है। जो ये इतना सा हिस्सा है हमने बिना सिलाई के छोड़ा है, यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। हमने देखिए फ्रेंड्स सीधा करके ले लिया है। अब जो ये वाला हिस्सा है इसे दोनों साइड से ऐसे अंदर करेंगे और इसके ऊपर सिलाई दे देंगे। देखिए अंदर करते हुए यहाँ पे ऐसे पूरे में ही सिलाई दे देंगे, तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने यहाँ पे इसके चारों साइड पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे पलट लेना है और देखिए ऐसे वही वाली लास्टिक लेंगे जो हमने नेपी में डाली थी। लास्टिक को हमें यहाँ पे देखिए ऐसे रखते हुए राउंड शेप में लगा लेना है, बिल्कुल इतने डिस्टेंस को छोड़ते हुए, और लास्टिक को हमें ऐसे खींचते हुए लगाना है। तो चलिए लास्टिक को यहाँ से लगा लेते हैं। कैप बन के रेडी हो गई है, हमारा पूरा ही जंपसूट बन के रेडी हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को आपको ये पहना के दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारे लड्डू बाबू हैं, ये 4 नंबर के लड्डू जी हैं। अब हम इनको ये ड्रेस पहनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। जंपसूट में हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये है साथ में कैप, ये देखिए फ्रेंड्स। अगर आप भी किसी भी साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसा जंपसूट बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका मेजरमेंट 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। या फिर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।